सभी को जाने से कि मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच प्रभु बहुत बड़ा महान और सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है। मैं भी गवाही ये है कि मेरे बेबी जब होने वाला था ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो जैसे मैं पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि सचमुच प्रॉब्लम बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी, मगर तुमने घबराना नहीं है। ऐसे मेरा विश्वास कभी अप डाउन हो जाता था, कभी तो ऐसा था भी सब कुछ ठीक है, कभी ऐसा था भी कुछ ठीक नहीं है। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते थे, स्कैन वगैरह करवाते थे, तो वह स्कैन में तो सभी कुछ ठीक आता था, मगर जब डॉक्टर मुझे देखती थी तो वो कहती कि बेबी कमज़ोर है, ऐसा है जे वो, बहुत मुश्किलें आई। मगर मैं प्रभु को फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच प्रभु ने टाइम से सभी कुछ सही किया। और जैसे मेरा सिजेरियन होना था तो मेरे घर वालों को भी, मुझे भी ऐसे था कि डॉक्टर कहीं दूर हमें भेज रहा नहीं, जैसे चंडीगढ़ पटियाला। तो मैं प्रभु का फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच में बहुत सहायता मदद की, हमारा संगरूर में केस हुआ और हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर बेटी दी, जैसे भैया ने पहले भविष्यवाणी की थी, भैया ने बताया था कि इसका नाम हेप्सिबा रखना। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी सुंदर बेटी दी, प्रभु इनको संभाले, जैसे प्रभु की सेवा मैं करती हूँ मेरी बेटी भी ऐसी सेवा करे। मैं भैया अंकित का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा अनुग्रह दिया कि मैं 9 महीने तक प्रभु की सेवा में जुड़ी रही, उनकी हजूरी में आती रही, प्रार्थना 3-4 टाइम करती रही। मुझे प्रॉब्लम तो होता था मगर प्रभु का अनुग्रह था कि मैं कभी भी छूटी नहीं, और आगे मैं ऐसे ही बढ़ना चाहती हूँ प्रभु के साथ। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सचमुच मुझे ये दिन